आज किसान आंदोलन को 6 महीने हो चुके हैं। किसानों ने आज काला दिवस कॉल किया था। हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। टिकैत साहब, 6 महीने हो गए, आज ही के दिन काला दिवस क्यों? और 6 महीने पे ही तो मनाऊंगे काला दिवस, और क्या 6 महीने 2 दिन पे मनाऊंगे? आज 6 महीने पे मनाया काला दिवस क्यों? कोई काला दिवस पे कोई बहन है? कोई बहन है काले दिवस पे? सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आ रहा है कोई काला दिवस नहीं मना सकते? क्या क्या किया आज सुबह से? आज पुतला फूंका, आज झंडे लगाए, काले झंडे लगाए, मोर्चों पर लगाए, यहाँ लगाए, हाथों में लिए, गाँव में लगाए, सब जगह गाँव में पुतले फूंके भारत सरकार के। पुलिस से झड़प हुई, पुलिस के जवान अपने उसमें थे, सिविल ड्रेस में थे, पुतले को खोज कर ले जाते, हमने उनसे कोचा, पाड़ तोड़ हुई पुतले के साथ में। ऐसा नहीं होना चाहता, पकड़ का हाथ पांव तोड़े पुतले के पुलिस ने, ऐसा नहीं करना चाहता पुलिस। तो बातचीत तो थी पहले की, आप लोगों ने घोषणा पहले ही कर दी थी कि काला दिवस होगा, तो फिर प्रशासन का ऐसा विरोध क्यों इस पे? है जी, प्रशासन का ऐसा विरोध क्यों था फिर इस पे? अब पता नहीं क्यों था विरोध, वो तो उन तक पूछो क्यों था, जब उन्हें बता रहा क्या पुतला फूंकेंगे। लेकिन पुतले को मारना ये तो पहली बार ही देखा, पुतले के हाथ पांव तोड़ना। सवाल ये हो रहा है कि कोरोना फैला हुआ है, किसानों के इस आंदोलन से कोरोना फैला है, ऐसा आरोप जो है पक्ष के पार्टी के लोग लगा रहे हैं, आप कितने जवाब रखेंगे? वे तो लगाएंगे ही, वे और ये कहेंगे कि भाई नहीं, उन्हें तो जो कुछ कहना वो कहेंगे ही। लेकिन पंचायत चुनाव से नहीं फैला? ना ना, बंगाल में चुनाव था ना पंचायत चुनाव था, उनसे नहीं फैला। लेकिन पंचायत के जो अध्यक्ष बनेंगे उनसे जरूर फैला, क्योंकि उनको 2 महीने का टाइम दे दिया। 20-20-30 मेंबर हैं, उनकी वोट पड़ेगी, उनको खरीद बकौर करनी, मतलब कैसा जमाना है। दोहरा मापदंड की दोहरा मापदंड देख रहे हैं कि सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई, चाहे किसानों के इस कानून को वापस लेने का हो या कोरोना को कंट्रोल करने का। सवाल ये कि हम लोग देख रहे हैं लगातार इलाहाबाद और तमाम जगहों पर नदियों के किनारे लाशें लगी हुई हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल जिम्मेदारी बनने, एक ये महामारी है इसको रोकना जिम्मेदारी है, हॉस्पिटल पर काम करना जिम्मेदारी है, ऑक्सीजन हॉस्पिटल पर हमको काम करने की ज़रूरत थी। बहुत सामाजिक लोगों ने ऑक्सीजन पर काम करा, उनको प्रोत्साहन देने की ज़रूरत थी, उस पर सरकार ने नहीं करा। जो डेड बॉडियाँ जो आ रही उनका दाह संस्कार करने की ज़रूरत थी, आप उनके सामूहिक दाह संस्कार करवा दो। सरकार कानून पर भी चुप्पी साधी है और कोरोना पर भी, क्या कोरोना बड़ा है कानून छोटा है? अगर है तो फिर सरकार वापस क्यों नहीं लेती? हाँ, हमने यही तो कहा कि कोरोना बड़ा है या कानून बड़े हैं। सरकार की नज़रों में कानून बड़े हैं, कोरोना छोटा है। हमारी नज़रों में कोरोना बड़ा है और कानून छोटे हैं, यही फर्क है। कानून छोटे हैं, कानून तो अंतिबाती चीज़ है, कोरोना पर कंट्रोल करना चाहिए। कानून वापसी ले ले तो किसान भी घर जाएगा और कोरोना पर सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। अभी आपने मन से कहा कि 26 तारीख हर महीने आती है, हर महीने आवे, 26 तारीख पे क्या क्या चिट लग गई उस पे? 26 जनवरी की तरह की धमकी तो नहीं है कोई है? और बिना धमकी के सरकार मान जाएगी भाई? बिना धमकी के बगैर उसके सरकार मान जाएगा? अगर मान जाए तो भाई वो बता दो फिर। 6 महीने हो गए किसानों से कोई बातचीत नहीं हुई 22 जनवरी के बाद? नहीं, 4 महीने हो गए, नहीं हुई। लग रहा होगी? हाँ होगी, भारत सरकार से बातचीत होगी। अब कौन सी सरकार से बातचीत होगी ये तो नहीं कह सकते। लेकिन किसानों ने अपना जलवा तो दिखा दिया ना, अभी बंगाल का चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव हो, वो तो इंजेक्शन दिया, इन पर तो बीमारी का इलाज मिला नहीं, लेकिन हमने इनकी बीमारी का इलाज जरूर ढूंढ लिया। सरकार की बीमारी का इलाज हमारे पे है, वो बंगाल में दिया, क्योंकि बीमारी इनका कई तरह की है, वो एक्सपेरिमेंट चल रहा है बीच में, कौन कौन सी दवाई कौन सी बीमारी पर काम करेगी, मिल गया हमें बीमारी। अच्छा, आखिरी सवाल, आप लोगों ने वैक्सीनेशन की मांग की थी कि यहाँ किसान आंदोलन रहता है, इनकी वैक्सीनेशन कराई जानी चाहिए, कुछ बातचीत आगे बढ़ी है? ना, इन्होंने कह लिया कई बार, यहाँ तो नहीं करवाते ये। हमने कहा कि हर 8वें दिन आप एक दिन निश्चित कर लें और आप यहाँ पर करवा दें तो सब लोग करवाते रहेंगे, प्रेस के लोग हैं ये करवा लेंगे, और लोग हैं तो ये करवाते रहेंगे। ये तो हमारे साथ राकेश टिकैत जी, जो कि बता रहे थे कि जो यहाँ पर किसान आंदोलन था उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए। हालांकि अभी बंगाल और पंचायत चुनाव एक ट्रेलर था, सरकार को इंजेक्शन के तौर पर दिए गए थे, लेकिन बार बार वो ये साफ कर रहे हैं कि 26 तारीख हर महीने आती है, सरकार इसे धमकी के लहजे में ले ले
या फिर बातचीत के लहजे में, क्योंकि किसान 6 महीने से यहाँ आंदोलनरत हैं और आज जिस तरीके से काला दिवस मनाया गया है और सरकार का पुतला फूंका गया है उससे ये साफ है कि किसान अब बैकफुट पर जाने वाले कतई नहीं हैं। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद।